बिग बॉस सीजन 14 का एक हफ्ता खत्म हो चुका है और इस एक हफ्ते में कौन कौन से वो कंटेस्टेंट है जो टॉप 5 लिस्ट में अपने फैंस के दिलों में जगह बना पाए हैं, यानी बिग बॉस के घर में कौन है वो टॉप 5 कंटेस्टेंट जिन्होंने फैंस के दिल में पूरी तरह से जगह बना ली है, और कौन से वो 5 कंटेस्टेंट है जिनको इस हफ्ते में लोगों ने ज़्यादा देखना पसंद किया है। तो हम आपको इस वीडियो में आज वो टॉप 5 नाम बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रूबीना दिलैक का। वेल, रूबीना दिलैक की अगर बात करी जाए तो रूबीना दिलैक कलर्स का फेस रह चुकी है और रूबीना अपने स्टैंड लेती भी काफ़ी पहले दिन से नज़र आ रही हैं। वेल, जहां हमने देखा कि वीकेंड के वार पर सलमान खान उन्हें वॉर्न करते नज़र आए, लेकिन काफ़ी सारे बिग बॉस के फैंस का मानना ये है कि रूबीना जो भी कह रही हैं घर के अंदर या उनका वो चीज़ों के लिए, यानी कि 7 पर्सनल आइटम्स के लिए जो लड़ना था और उनका जो क्लियरिफिकेशन था वो काफ़ी सही था और काफ़ी सारे लोग इस पर अग्री कर रहे हैं कि रूबीना दिलैक जो थी वो कहीं पर भी गलत नहीं थी, इसीलिए तो वो बिग बॉस की कंटेस्टेंट्स फेवरेट लिस्ट में नंबर 1 पर आ गई हैं। वेल, इस लिस्ट में सेकेंड नाम आता है एजाज खान का। एजाज खान जो घर के अंदर पहले हफ्ते में कुछ नहीं करते आए हैं, एजाज खान से लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। एजाज खान को वाकई ही चाहते हैं लोग कि उनका असली चेहरा जो है वो सामने आए और लोग एजाज खान को असली एजाज खान के रूप में घर के अंदर देखें। वेल, अब एजाज खान इस हफ्ते कितने ज़्यादा नज़र आते हैं और क्या उनका असली रंग सामने आता है ये देखने लायक होगा, क्योंकि सलमान खान की तरफ से डोज तो एजाज खान को भी मिल चुका है। तो एजाज खान आते हैं नंबर 2 पर, जो बन चुके हैं लोगों के फेवरेट और नंबर 2 पोजीशन पर है। वहीं तीसरे नंबर पर नाम आता है निशांत मलखानी का। निशांत मलखानी जो फर्स्ट 2 डेज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आए जब वो घर के बाहर थे, तभी तक उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, टास्क बराबर परफॉर्म किया। भले ही मैं कहना चाहूँ कि जो इम्यूनिटी वाला टास्क था वहाँ पर अभिनव और रूबीना से उनकी थोड़ी खटपट हो गई, दुश्मनी हो गई, लेकिन एट द एंड ये तो गेम है, यहाँ सब गेम खेलने आए हैं और वहाँ पर निशांत भी गेम खेल रहे थे। उन्होंने बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, इसीलिए तो वो फेवरेट कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में 3rd नंबर पर अपनी पोजीशन कायम रखने में सक्सेस हो गए हैं। वहीं 4th नंबर पर नाम आता है निक्की तंबोली का। वेल, निक्की तंबोली की अगर बात की जाए तो निक्की जो है वो पिछले हफ्ते पूरी तरह छाई रही, क्योंकि पता नहीं बिग बॉस चाहते थे कि निक्की को इतना ज़्यादा हाइप मिले इसीलिए खाली निक्की नज़र आए, या फिर दूसरे कंटेस्टेंट्स के पास घर में कंटेंट देने के लिए कुछ नहीं था इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ निक्की तंबोली नज़र आई। वेल, निक्की का ये बेबाक अंदाज़, उनका फ्लर्टिश नेचर जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसीलिए वो अब फेवरेट कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में 4th पोजीशन हासिल कर चुकी हैं। वहीं इस लिस्ट में 5th पोजीशन पर आती हैं पवित्र पुनिया। वेल, पवित्र पुनिया की अगर बात की जाए तो वो टेलीविज़न पर काफ़ी पॉपुलर हैं और उनका वो जो गुंडा वाला अंदाज़ है वो ना सिर्फ बिग बॉस हाउस के अंदर बल्कि बिग बॉस के घर के बाहर भी आप लोगों ने देखा ही होगा, वैसे ही पवित्र जो है वो घर के अंदर भी नज़र आ रही हैं, जहाँ वो अपना स्टैंड लेती हैं, लोगों को बोलती हैं, अपना ओपिनियन रखती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत गेम को समझने में पवित्र जो है वो लेट हो गई हैं, एक हफ्ते हो गए हैं गेम को स्टार्ट हुए, वो कहीं ना कहीं अभी गेम को समझ नहीं पाई हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी पवित्र जब फटेंगी तो वो बहुत अच्छी तरह फटेंगे, और जब वो गेम को समझ लेंगे और खेलना स्टार्ट करेंगी तो वो काफ़ी अच्छी तरह खेलेंगी। तो तभी तो उन्होंने बिग बॉस के जो फैंस हैं उनके मन में 5th पोजीशन पर जगह बना ली है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो चार्ट है इस एक हफ्ते का फेवरेट कंटेस्टेंट्स का, उसमें ये 5 कंटेस्टेंट है, जिसमें पहले पोजीशन पर रूबीना दिलैक आती हैं, सेकंड पर एजाज खान, 3rd पर निशांत मलखानी, 4th पर निक्की तंबोली और 5th पर पवित्र पुन्या। वेल, आप कितना अग्री करते हैं इस चार्ट से ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।